और अब बात मुंबई की, जहां पर बरसात मुंबईकरों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आज का दिन भी मुंबईकरों के लिए भारी साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, यानी कि आज एक बार फिर से मुंबई तालाब बन सकती है। मुंबई पुलिस भी मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट है। इस बीच मुंबई में लगातार चल रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। किन बच्चे को लेके बच जाओ, बस अभी भेज। मुंबई की बरसात मुंबई करों की आफत। आसमान पर छाए बादलों से लगने लगा है डर। सावधान, मुंबई पर अगले 24 घंटे भारी हैं। बरसात ने मुंबई का हाल कितना बेहाल कर दिया है, ये तस्वीरें हकीकत बयान कर रही हैं। मुंबई का कोई भी कोना हो, भारी बारिश के बाद हुए जलजमाव ने मुंबईकरों की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि मुंबईकरों की ये मुसीबत आज और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मुंबई में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी बताए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई के अलावा ठाणे, रायगढ़, पालघर में भी भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की चेतावनी है। 9 और 10 तारीख को भारी बारिश की वजह से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग की जोरदार बारिश की भविष्यवाणी के बाद मुंबई पुलिस ने बारिश के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का ऐलान किया है। हम मुंबई के सभी निवासियों से आग्रह करते हैं कि पूरी एहतियात और सुरक्षा बरतें। किसी भी आपात स्थिति में 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचित करें। एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद मुंबई का जो हाल होता है वो किसी से छिपा नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या वाटर लॉगिंग की वजह से होती है। मुंबई में जारी लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव और जाम की तस्वीरें सामने आई। ये अंधेरी इलाके का हाल है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। जो भी वाहन यहां से गुजर रहे थे उनके पहिए पानी में डूबे ही दिखाई दिए। वाटर लॉगिंग से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आई। मुंबई में बरसात को आफत की बारिश क्यों कहा जाता है, इसकी एक तस्वीर मुंबई के अंधेरी इस इलाके में भी नजर आई। पेपर बॉक्स के पास सोमवार को एक दीवार ढह गई। गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक शख्स को हादसे में चोट लग गई। वहीं मलबे में फंसी एक महिला को रेस्क्यू किया गया। हादसे में यहाँ पार की गई कई बाइक्स और कारों को नुकसान पहुँचा। सैन इलाके में हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सैन में सड़कें नजर आनी बंद हो गईं। जिनको सड़कों पर चलना था वो ऊंचे स्थानों पर जाकर पानी उतरने का इंतजार करने लगे। बहुत परेशानी हुई है, लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। कहाँ कहाँ पानी भरा है? पूरे सायन सर्कल में पानी भरा है और इधर पूरे रोडों पे बहुत पानी भरा है। बराबर चलना नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। देखो पूरा पानी अंदर आ रहा है। नवी मुंबई में भी सोमवार को हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। नवी मुंबई सायन पनवेल हाईवे समेत कई रास्तों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक पर असर पड़ा। नवी मुंबई के खारगर में भी जलजमाव हो गया। लेकिन आज मुंबई और आसपास के इलाकों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। भारी बारिश के बाद मुंबईकरों की मुसीबत भी बढ़ सकती है।
ऐसे में मुंबईकरों को आज सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़, मुंबई।